हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हम लोग आ चुके हैं वापस अजमेर से। देखिए सब लोग थक गए हैं काफ़ी, सब सो रहे हैं। मैं स्कूल के लिए उठाती हूँ। आशी उठो बेटा, उठो। अरीबा उठ जाओ बेटा, उठो, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, उठो जल्दी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने चाय बनाने रख दी है और बच्चों के लिए कर रहे हैं लंच की तैयारी। वो आज चले लिए कुछ नहीं करा, तो मैं यहाँ सैंडविच बनाऊंगी। इतनी थकान हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ लंच में, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो बेटियाँ बोल रही थी मम्मा सैंडविच बना देना। चाय तो बन चुकी है, मैं इधर दूध को गर्म करने रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सैंडविच के लिए काट रही हूँ प्याज टमाटर। प्याज टमाटर वाला सैंडविच बनाऊँगी मैं। कहीं भी चले जाओ तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो हमारे यहाँ से तो काफ़ी दूर है वैसे भी अजमेर, 6 से 7 घंटे लग जाते हैं ट्रेन से। फिर घर का रास्ता है 1 घंटे के करीब। अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी पुदीना, थोड़ा सा चाट मसाला, और डालूँगी इसमें मैंने डाल दिया, और इसको करते थे मिक्स। तवा रख दिया मैंने गर्म करने के लिए। अब ये फिलिंग ला लेती हूँ ब्रेड में। प्याज टमाटर वाला सैंडविच बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तो अभी इतना टाइम नहीं था। ये कुछ बना दो, थके हारे आए हैं हम सब लोग, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, इसलिए बच्चे भी सैंडविच की बोल रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड में फिलिंग भर ली है, अब इनको सेक लेती हूँ। तब अभी मेरा गर्म हो चुका है, इसको लगा देती हूँ पहले ऑयल, हल्का सा मैं ब्रेड के ऊपर भी लगा देती हूँ, इससे भी इधर अच्छे से सिक जाए। अब लग रहा है, देखिए इतनी चाट चुकी, इतना गर्म लगा है। रेडी हो चुके हैं, ये जल्दी से ये पीछे लंच बॉक्स में लगा देते हैं। इतनी फिलिंग बच गई है, इसके लिए बनाऊंगी गेटू के। चले इनको, बेटियां जा चुकी हैं स्कूल, तो मैं अब लग गई वापस से फिर से काम में। तो यहाँ पर पहले ये सूखे कपड़े थे, धुले हुए थे, तो इनको पहले उतार लेती हूँ। ये मैंने धो के डाल दिए थे शाम में जब वहाँ से आई थी लौट कर, तो पहले जगह खाली करनी है मुझे, क्योंकि और भी कपड़े धो के डालने हैं। ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे धोकर, उतार लिए। अभी अजमेर गए थे तो हम लोग आ चुके हैं वापस, अब फिर से लग गए अपनी ड्यूटी पर। ये बैग भी खाली करना है, इसमें भी गंदे कपड़े हैं, ये भी धोने हैं, इनके फोल्ड करना है। बहुत काम हो जाते हैं कहीं भी चले जाओ आप, उसके बाद बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बढ़ जाता है। और अभी इतनी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जल्दी जल्दी गए, अचानक से प्रोग्राम बन गया, फिर वापस आना होगा। आप कहीं भी चले जाओ घूमने, तो कपड़े सबसे ज़्यादा हो जाते हैं साफ़ करने के लिए। तो सबसे बड़ा टास्क बस यही होता है, कपड़ों को धोना, फिर उनको सुखा कर प्रेस करना। ये सबसे बुरा काम लगता है मुझे, तो आप लोगों को भी लगता है क्या? कपड़े मैं निकाल लाई हूँ, इनको डाल देती हूँ। पानी मैंने पहले भर दिया था और सर्फ भी डाल दिए। तो यहाँ मैंने सभी कपड़े डाल दिए, कपड़े तो मैंने धोने डाल दिए हैं। अब इधर मैं डाल रही हूँ गेहूँ, क्योंकि गेहूँ भी साफ करने हैं, क्योंकि आटा नहीं है। ये करना था मुझे पहले ही, फिर अचानक से प्रोग्राम बन गया था जाने का, इसलिए कर नहीं पाई थी। तो इनको भी साफ़ करना ज़रूरी है, तो गेहूँ फैला दिए मैंने। तो इधर कपड़े भी धुल चुके हैं, मैंने ड्रायर में डाल दिए थे, पीछे हम इनको निकाल लेते हैं, फिर इनको भी जल्दी से फैलाए आती हूँ।
लिए मैंने अंडे बॉईल किए हैं और दलिया बनाने रख दिया है। बेटियां तो स्कूल जा चुकी हैं, वो अंडे खा गई हैं अपने। आटा ख़त्म हो गया है तो गेहूँ साफ़ करने, उसमें मैं डाल आई हूँ फैला कर, और ये दलिया बनाने रख दिया है। नाश्ता कर लेंगे हस्बैंड के लिए, बच्चा भी, मैं भी खा लूँगी, बेटू भी खा लेगा, उसको भी पसंद है दलिया। तो बस ये थोड़ा रह गया बनने वाला है, इसको खाने के बाद फिर लग जाऊँगी मैं गेहूँ साफ़ करने के लिए। तो अब पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता, तो अपना दलिया निकाल लेती हूँ, दलिया बन गया है, उसके बाद करूँगी गेहूँ साफ। थोड़ा चटपटा तीखा अच्छा लगता, तो मैंने इसमें एक हरी मिर्च डाल दी थी स्लाइस करके। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ गेहूँ साफ़ करने के लिए। नाश्ता मैंने कर लिया, बेटू को भी करा दिया है। गेहूँ में थोड़ी छोटी छोटी मिट्टी होती, सरसों टाइप के दाने टाइप से होते हैं, तो उसे पता नहीं क्या कहते, मुझे नहीं पता, तो सूप से निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं छटना लेकर आई हूँ। छटने में वो निकल जाएंगे तो उससे साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद मैं सूप में डाल के साफ़ कर लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा होता है वो सूप से निकल जाता है, तो छोटे छोटे होते हैं वो छटने में निकल जाते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाकी के काम भी करने हैं, काम बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आटा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था क्या, सो अजमेर से आते ही गेहूँ साफ़ करने में ही लग गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 1-2 किलो करीब आटा रह जाता है तभी मैं गेहूँ साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि गांव में कभी कभी ऐसा हो जाता है, लाइट भी नहीं रहती चक्की पर, तो दिक्कत आ जाती है, तो मैं पहले से ही गेहूँ साफ़ करके रखती हूँ। वो तो अचानक से वहाँ अजमेर के लिए प्रोग्राम बन गया था, इसलिए मैं साफ़ कर नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे जब साफ़ करना था तो अजमेर के लिए हम निकल दिए थे, इस वजह से गेहूँ साफ़ नहीं कर पाई थी। तो मैं जल्दी से गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ इनको। यहाँ पर मैंने सभी गेहूँ साफ कर दिए हैं, इतने गंदे निकल आए हैं। क्या कर रहे हो आप? ये अपने छोटे से ट्रैक्टर की थैली में भर लेता है, फिर इसे पलट रहा है। ये सारे इसमें मैंने भर दिए हैं, बस इतने रह गए हैं, इसमें थोड़ा मिट्टी ज़्यादा रह गई है, और साफ हो गए सभी गेहूँ। अब गाड़ी आ जाएगी या तो चक्की चलती फिरती वाली, तो उस पर पिसवा लेंगे, नहीं तो फिर ये गाँव में चक्की है अंदर, वहाँ पिसवा के लाएंगे। इसको साफ़ करके मैं कपड़े निकाल लेती हूँ मशीन में, वो धुल गए फिर उनको फैला देती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ मैंने लगा ली प्रेस, पहले कपड़े धोए, प्रेस करनी है, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। सबसे बस बुरा काम यही लगता है, प्रेस करना, कपड़ों को धोना, फिर उसके बाद उनको प्रेस करना। तो पहले मैं कर लेती हूँ प्रेस, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। प्रेस भी मेरी गर्म हो चुकी है,